हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार इंडियन आर्मी भर्ती में आप सभी को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब की बार फिजिकल नहीं, आप सभी की सबसे पहले लिखित परीक्षा ले ली जाएगी। अगर आप लिखित परीक्षा में पास होते हो तो तभी आप सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप यह पूरी अपडेट जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करें और वीडियो को लाइक जो करें, क्योंकि हर रोज़ इस चैनल पर मैं इंडियन आर्मी से जुड़ी एक या दो वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इसी साथ हमारा पूरी अपडेट पढ़ लेते हैं। सेना भर्ती में दौड़ से पहले होगी लिखित परीक्षा। सेना की भर्ती में अब जल्दी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ से पहले अब युवाओं को लिखित परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को लिखित परीक्षा देनी होगी। अगर आप लिखित परीक्षा में पास होते हो तभी आप सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल के बाद यह प्रक्रिया लागू, दोस्तों 1 अप्रैल के बाद यह प्रक्रिया लागू हो चुकी है। सेना के अधिकारियों के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए सारे आवेदन जमा होने के बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तारीख और समय तय कर दिया जाएगा। सूचना भी सेना ऑनलाइन जारी करेगी। नई व्यवस्था से पेपर आउट होने की संभावना नहीं रहेगी। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में पास होगा उसी कैंडिडेट को दौड़ के लिए शामिल किया जाएगा। ठीक है, भीड़ आगे हम पढ़ लेते हैं। उच्च दौड़, दंड बैठक और उच्च कूद में बेहतर प्रदर्शन भर्ती की गारंटी मानी जाती थी। ऐसे में रैली आने वाली युवाओं दौड़ को काबू करने के लिए सेना दोस्तों भीड़ को काबू करने के लिए सेना और सिविल प्रशासन को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो आपके कैंडिडेट फिजिकल पास करके 10% विद्यार्थी थे जो लिखित परीक्षा में पहुंच पाते थे, इसलिए आर्मी ने बहुत बड़ा बदलाव कब की बार कर दिया है। बस यही अपडेट आप सबसे शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, एक बार आप सभी को फिर बता देता हूँ, जो इंडियन आर्मी की रैली है, अब की बार सबसे पहले आप सभी की लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ही आप सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल क्लियर करते हो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ये हर राज्य और हर स्टेट के लिए यही कानून बना दिया गया है अब की बार। धन्यवाद दोस्तों।